Hello, all of you. So today we are in the last part of first chapter, introduction to HTML, and this is very important topic, that is hyperlink in HTML or web page mein hyperlink kaise de. And for that we are using a tag. So finish this video properly, because that you know, after completion of my video I ask some questions related to each and every video, yani ki ye video ke upar bhi aadharit 5 question hai aapke paas. So dhyan se dekhiye, note down the main points and give the answer of the self test. Or now what the rule, now I change something in my study. After completion of your self test, आप self test जैसे ही complete करते हो तो आपको दो काम करने हैं. Once you click first, you click on the like button, and another thing, you post a comment in a YouTube about the performance of your self test. आपको आपके self test के बारे में performance के बारे में comment करनी है. And then I give you the reply as early as possible in YouTube only. Because that I see in WhatsApp, if I give a comment to your performance, जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशन वेरी गुड, तो अननेसेसरीली द ट्रैफिक ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप इज इंक्रीज. तो प्रॉब्लम क्या होता है, बाकी का कंटेंट ढूंढने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है. सो नाउ आई गिव माय कमेंट, आई गिव माय रिस्पांस इन यूट्यूब कमेंट ओनली. सो यू पुट योर परफॉर्मेंस इन योर यूट्यूब कॉमेंट एंड क्लिक ऑन द लाइक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेल्फ टेस्ट. एंड I see that most of near about 60-70% students are taking interest. It's good. आप board exam में हैं, आपको बहुत concentration के साथ काम करना है. Knowledge is more important than marks. Okay. और news में बहुत सारी चीजें आ रही है. You don't go for any kind of that kind of unnecessary things. You just focus on your knowledge. आपको knowledge के ऊपर ही ध्यान रखना है. ऑनलाइन एजुकेशन चालू है बंद है उससे कुछ मतलब नहीं है. हमारा एजुकेशन चालू रहेगा, आपको नॉलेज लेते रहना है. ओके, एंड इफ यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब, यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज लॉट्स ऑफ अदर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वीडियोस आई ऑलरेडी पोस्टेड इन माय चैनल, जो शायद आपको नहीं भी मिली होगी. बट इफ यू सब्सक्राइब टू माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे क्लिक किया है, तो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा. आपको व्हाट्सएप में कोई मैसेज पोस्ट आए या ना आए या दूसरे टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड वीडियोस अपने आप आपको मिल जाएंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द हाइपरलिंक. इन दैट वी आर गोइंग टू लर्न द थ्री मेन कंसेप्ट. एंड व्हाट इज हाइपरलिंक एग्जैक्टली? हाइपरलिंक आपको शायद नाम सुना होगा और देखा भी है सबने. व्हेन यू सी एनीथिंग इन अ वेबसाइट विथ अ डिफरेंट कलर एंड विद एन अंडरलाइन, दैट इज द हाइपरलिंक. हाइपरलिंक से होता क्या है, यू आर एबल टू गिव ए लिंक ऑफ एनी अदर फाइल इन योर डॉक्यूमेंट, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट में रहते हुए कोई दूसरी जगह पे कोई फाइल है उसकी लिंक दे सकते हैं. एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दैट हाइपरलिंक, देन यू गेट दैट फाइल इन योर स्क्रीन. वो फाइल दूसरी जगह पे या दूसरी कंप्यूटर में भी हो सकती है. सो वी आर एबल टू लिंक एनी अदर काइंड ऑफ कंटेंट्स इन अवर वेब पेज थ्रू हाइपरलिंक. And for that we use the tag A. The full form of A is anchor. Anchor tag. Okay. First of all, you just understand what is hyperlink. Generally, it displays with a different color and with an underline. ये उसका identification है. आप अगर किसी को भी hyperlink देंगे, तो उसका color बदल जाएगा और underline अपने आप आ जाएगी. यहाँ पर भी हम hyperlink देने वाले हैं. आपको पता चल जाएगा practically के कैसे color change होता है और उसका underline automatic आ जाती है. And A means anchor tag. उसके अलावा we are going to use some more concepts. A tag means anchor tag to give a hyperlink. Now we are using one attributes of A tag. In a very first part of my HTML, I explained the parts of HTML tag. Name of tag, space, property or attribute is equal to value. So href is a property of A tag. The full form of href is hypertext reference. यानी कि कौन सी फाइल का रेफरेंस आप लेना चाहते हैं, that we clearly mention in the computer. यानी कि जो फाइल आप कनेक्ट करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, वो फाइल का पूरा डेटा, यानी कि मींस व्हाट द वी जस्ट गिव द एड्रेस ऑफ दैट फाइल, कहाँ पे कहाँ वो फाइल है जो आपको लिंक देनी है.
And if we talk about the address of the file, then we have two types of address. One is relative address, another one is absolute address. So what is relative address? रिलेटिव एड्रेस में हम क्या करते हैं, HREF में सिर्फ फाइल का नाम डालते हैं, यानी कि जो फाइल हमको लिंक देनी है, we just give a name of the file without full address. तो अगर आपने सिर्फ फाइल का नाम लिखा है तो कंप्यूटर क्या समझता है कि जहां पे आप आपकी HTML फाइल सेव कर रहे हो उसी जगह पे आपकी लिंक दी हुई फाइल भी होगी. दैट मीन्स your saved html file and your linked file both are in the same folder, then only you use relative address. Relative address tabhi kaam aayega jab aapki saved ki hui html file aur jis file ka aap link dena chahte ho wo file dono same location mein ho, yani ki same folder mein ho. If your linked file is available in the other folder, then relative address is not useful, aapki file open nahi hogi. मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा. सो इफ यू वॉन्ट टू लिंक एनी अदर फाइल दैट इज अवेलेबल इन द एनी अदर लोकेशन, ओके, देन वी यूज एब्सोल्यूट एड्रेस, जिसमें हमको हमारी जो फाइल हमको ऐड करनी है उसका पूरा पाथ देना है. कभी डी ड्राइव के अंदर, ट्यूटोरियल के अंदर, टेंथ के अंदर, लेसन वन के अंदर, पार्ट फोर के अंदर, पार्ट फोर डॉट एच टी एम एल, ऐसा पूरा एड्रेस देना पड़ेगा. देन कंप्यूटर सर्च दैट फाइल इन दैट पर्टिकुलर गिवन एड्रेस, वो जगह पे जाकर वो फाइल को सर्च करेगा. इफ दैट फाइल इज अवेलेबल, देन कंप्यूटर गिव्स अ लिंक दैट फाइल टू योर वेब पेज. एंड इफ एनीथिंग इज रॉन्ग इन योर एड्रेस, देन कंप्यूटर इज नॉट एबल टू सर्च योर फाइल, वो कंप्यूटर आपकी फाइल ढूंढ नहीं पाएगा और आपको वो फाइल की लिंक नहीं मिलेगी. तो ध्यान ये रखना है कि एड्रेस में एक छोटे से कैरेक्टर का भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. एंड इन विच एरिया वी मेंशन द एड्रेस, इन द एचआरईएफ प्रॉपर्टी, हम एचआरईएफ एट्रीब्यूट्स में ये एड्रेस को मेंशन करेंगे डबल कोट के अंदर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल पार्ट. नाउ आई ओपन द नोटपैड फाइल, मैं नई फाइल बनाऊंगा यहाँ पे बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव द लिंक ऑफ प्रीवियस फाइल. So yet you know the very first is HTML. Then we start head because I want to give the title. Metadata के लिए head section use होता है. Hyperlink. Title over. Head. Start body. ऐसे ही मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूं. ब्रेक क्लिक हियर, आपको पता होगा कि यहां पे आप जब बहुत सारी वेबसाइट ओपन करते हो तो लिखा होता है क्लिक हियर, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दैट देन समथिंग इज ओपन. क्या ओपन होता है? जिस फाइल की लिंक दी गई होती है वो पार्ट का. ओके, नाउ आई वांट टू गिव अ लिंक ऑन क्लिक हियर वर्ड. कौन से वर्ड के ऊपर मुझे लिंक देनी है? क्लिक हियर वर्ड के ऊपर. सो बिफोर क्लिक हियर यू स्टार्ट योर ए टैग एंड विच एट्रीब्यूट वी यूज एच आर ई एफ. वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एच आर ई एफ? हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर आपको एड्रेस लिखना है. हियर फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट एड्रेस, यानी कि ऐसी फाइल जो जहां पे मैंने मेरी फाइल HTML फाइल सेव की वहां पे नहीं, कोई दूसरे लोकेशन पे है. सो फॉर दैट द बेस्ट वे इज टू ओपन योर ब्राउजर फर्स्ट. यू प्रेस कंट्रोल ओ. हियर यू नीड टू गेट द एड्रेस. आपको एड्रेस लेना है तो एड्रेस कैसे ले? And the best way is to open your Internet Explorer. Here I am just minimize this one and I open the Internet Explorer to get the address of my file. You get the full address. Don't try to write the address. क्योंकि type करोगे ना तो कोई ना कोई mistake होगी होगी 99% case में, because address is a very long address. If you make the minor mistake then also you are not getting your file. Okay. Now I already opened the Internet Explorer. Now control O, click on
ब्राउज टू सर्च योर फाइल, जिसकी लिंक आपको देनी है। आई मैंने जस्ट ब्राउज के ऊपर क्लिक किया, नाउ आई एम ट्राइंग टू सर्च माय फाइल। हियर आई चूज एनी वन अदर फाइल, यू कैन यू आर एबल टू गिव एनी फाइल, यू आर एबल टू गिव ए लिंक ऑफ एनी फाइल, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कुछ भी हो आप लिंक दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक दूसरी फाइल की लिंक दे रहा हूँ, ओपन। नाउ हियर यू सी यू गेट द फुल एड्रेस ऑफ योर पर्टिकुलर फाइल, मैंने जो फाइल सिलेक्ट की उसका पूरा एड्रेस। यू राइट क्लिक ऑन दैट एरिया, कॉपी। देखो ये फैसिलिटी आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही मिलेगी कि आपको तुरंत पूरा एड्रेस मिल जाएगा। सो राइट क्लिक इन दिस एरिया, कॉपी, कैंसल इट, ओपन योर नोटपैड फाइल, हियर अगेन राइट क्लिक एंड पेस्ट इट, डबल क्लिक ओवर, एंगुलर ब्रैकेट ओवर, ओके। एंड नाउ आफ्टर क्लिक हियर आई क्लोज ए टैग, यानी कि एंकर टैग को क्लोज कर दिया। तो आप यहां पे देख सकते हो कि पूरा एड्रेस मैंने ले लिया। ठीक है, सो इफ यू आर गोइंग टू टाइप दिस एड्रेस देन डेफिनेटली इन दिस बिग एड्रेस, इतने बड़े एड्रेस में थोड़ी बहुत मिस्टेक तो कर ही दोगे आप। ओके, एंड नाउ आई क्लोज बॉडी टैग एज वेल एज HTML टैग एंड नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल। देखो मैंने फाइल कहाँ से ली थी, डेस्कटॉप से ली थी, मैं सेव किसी और जगह पे कर रहा हूँ, चलो डी ड्राइव में कर लेते हैं, hypertext.html ऐसा मैंने नाम दिया। माई HTML फाइल इज इन डी ड्राइव एंड लिंक्ड फाइल इज इन डेस्कटॉप, तो दोनों अलग अलग जगह पे, इसलिए मुझे एब्सोल्यूट एड्रेस ही यूज करना पड़ेगा। नाउ व्हाट वी डू, वी ओपन दिस फाइल इन एनी ब्राउजर, फाइल मेरी डी ड्राइव में है और फाइल का नाम था hypertext.html, मिल गई हमको, ओपन। नाउ यू सी आ गई फाइल, हियर हियर वी गेट द फाइल, टाइटल हाइपरलिंक, क्लिक हियर। देखो नाउ व्हाट हैपेंस हियर, द कलर ऑफ द क्लिक हियर ऑटोमेटिकली चेंज इन अ ब्लू एंड इट ऑटोमेटिकली एड अंडरलाइन, दिस इज द साइन ऑफ हाइपरलिंक। ऐसे आप कहीं पर भी कोई भी जगह पे ऐसा देखो तो समझ लो कि उसके साथ कुछ ना कुछ अटैच किया हुआ है, एंड बाय क्लिकिंग ऑन दैट वर्ड यू गेट दैट कनेक्टेड फाइल। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, समथिंग इज गोइंग, देखो यहां पे casting.swf.html फाइल है। नाउ लेट मी सी, आई एम वेटिंग फॉर दैट फाइल, इफ इट ओपन इन एनी अदर प्लेस दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू चेक। लेट मी सी, वी गिव द एड्रेस ऑफ सम अदर फाइल्स, save it, and here we refresh it, now we try to open in the Chrome, let me see, sometime due to some browser problem also, technical problem also, you are not able to see the contents, but let me see what happens. You open the file, now here we click, now here you see the process is going on, now we open the ABHSS annual functions 2018-19 live stream will start in. So there is a problem of the browser is not open in Firefox, so I change my browser to Chrome. Again you click on the back button, you get your file, yani ki hypertext.html wali file mil gayi, iske upar click karne par mujhe wahi file milegi jiski maine link di hai. Okay, it automatically search the file and open for you. So this is the concept of
hyperlink. Now, relative address. आपको जो मैंने ट्रैब एडिट की जो एप्लीकेशन दी है उसमें सिर्फ रिलेटिव एड्रेस ही काम करेगा. डोंट ट्राई टू ओपन एब्सोल्यूट एड्रेस क्योंकि वो ऐप की कुछ लिमिटेशंस है. नाउ फॉर दैट आई एक्सप्लेन एवरीथिंग इन ट्रैब एडिट ओनली. सो लेट्स ओपन द ट्रैब एडिट. ट्रैब एडिट में ही मैं आपको टाइप करके दिखाऊंगा कि कैसे काम करना है. नाउ यू ऑलरेडी सेव वन और टू फाइल्स इन योर एप्लीकेशन. आपने ये एप्लीकेशन में कोई ना कोई फाइल तो सेव की हुई होगी. ओके नाउ यू मेक द न्यू फाइल. क्लिक ऑन मेनू, टेक प्रोजेक्ट्स. ओके क्लिक ऑन प्लस साइन टू क्रिएट द न्यू फाइल. देखो मेरे पास दो फाइल है, एक डेमो है और एक टेस्ट है. मैं क्या करूंगा, नई फाइल बनाऊंगा और इन्हीं दो में से कोई एक फाइल का नाम लिख दूंगा, रिलेटिव एड्रेस. तो क्योंकि ट्रैब एडिट सॉफ्टवेयर भी एक ही जगह पे है, ये सब फाइल भी एक ही जगह पे है, तो कंप्यूटर डायरेक्टली वो फाइल ले सकता है नाम से. प्लस कर दिया, नई फाइल बनाएंगे हम. ओपन कर दिया हमने. नाउ स्टार्ट राइटिंग दिस वन. HTML. नाउ हेड वगैरह मैं नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट बॉडी टेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट यू नो. To open file. Before click here, you start your anchor tag space href is equal to give a name to your file in double inverted comma. Test.html. वो नाम की फाइल मेरे ऑलरेडी बनाई हुई है. यू जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ फाइल प्रॉपरली, डोंट मेक एनी मिस्टेक इन दैट. एंड देन आफ्टर क्लिक हियर आई क्लोज ए टैग. ओके नाउ वी सी द रिजल्ट ऑफ दिस. क्लिक हियर टू ओपन फाइल. नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ओवर देयर. सेकेंड फाइल ओपन हो गई. अंडरस्टैंड, अगेन आई एम गोइंग टू प्ले. क्लिक हियर. जो फाइल की मैंने लिंक दी थी वो फाइल ओपन हो गई. सो इन दिस ट्रैब एडिट द सेटिंग इज डिफरेंट ऑफ दिस एप्लीकेशन. तो यहाँ पे आप एब्सोल्यूट एड्रेस के ट्राई मत करना, इज वेरी डिफिकल्ट टू ओपन इट. सो बेटर यू यूज रिलेटिव एड्रेस. उसके लिए आपको क्या करना होगा, नई फाइल बनानी. देखो अभी यहाँ पे तीन फाइल आ गई, ठीक है. नई फाइल बना के आपने जो फाइल बनाई हुई है उसी फाइल का कोई भी फाइल का नाम लिख लो डबल कोट के अंदर HREF में. सो बी सीरियस. सो दिस इज द डेमो ऑफ दिस वन. देन आफ्टरवर्ड सम स्टूडेंट फाइंड द डिफिकल्टीज टू गेट द लिंक ऑफ द सेल्फ टेस्ट. तो वो कैसे लेंगे आप, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आपको मेरा वीडियो मिलता है ठीक है. सपोज यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड का एक वीडियो मैं ओपन कर रहा हूं. टेक सम टाइम. देखो यहाँ पे व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, यू जस्ट क्लिक ऑन दैट देन यू गेट द लिंक हियर. मोबाइल की बात कर रहा हूँ. अगर इसको मैं बंद क्लिक करूँ वापस तो डिस्क्रिप्शन चला जाएगा. So the link of self-test is available over there. Click on this link to give the self-test. Form open हो जाएगा और आपको जो भी questions दिए पांच आ question के answer देने वो यही video related होगा जो आपको answer देना है. Okay.
Why I give this example? Not getting the 100% students in the self test. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है लिंक ढूंढने में, तो इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है. इट टेक्स सम टाइम टू ओपन द फॉर्म, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ इंटरनेट. सो नाउ अगेन आई ओपन. नाउ यू सी व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप. व्हेन यू ओपन एनीथिंग, नाउ हियर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेल्फ टेस्ट सबमिशन करने के बाद आपको लाइक बटन पर क्लिक करना है और नीचे कमेंट में जाकर आपको आपके टेस्ट का परफॉर्मेंस कमेंट करनी है और मैं यहां से रिप्लाई दे दूंगा. तो दीज आर द स्टेप. सो यू गेट द रिप्लाई फ्रॉम माई साइड एज अर्ली एज पॉसिबल अबाउट योर परफॉर्मेंस, बिकॉज वेन यू क्लिक ऑन द सबमिट बटन देन आई गेट योर स्कोर ऑटोमेटिकली इन माई सीट. So now I think you all understand properly what is hyperlink in HTML, how to give the hyperlink, a tag is used, and for that we use one property of a tag, that is href. Full form is hypertext reference, relative address or absolute address. Do mein se koi bhi ek type ka address de sakte ho. Relative address means you just give a file name, but the rule is your HTML file and your linked file both are in a same folder, then only you are able to give the relative address. अगर आप जो file link करना चाहते हैं वो file कोई दूसरे location में है तो आपको पूरा path देना पड़ेगा absolute address से. और path लेने के लिए मैंने आपको कहा कि use Internet Explorer, press Ctrl O, click on browse, select your file, copy your address and paste it in a notepad. This is the revision. So all the best, complete your self test, post a comment. Thank you.